दोस्तों नोकिया एक ऐसा नाम है जिसका साथ 90s के किट के अंदर एक गहरा रिश्ता बसा हुआ है। फिलहाल के लिए ऐसा रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जहाँ पे नोकिया के साथ सीधा आईफोन और DSLR का कंपटीशन के बारे में बातचीत हो रही है। नोकिया फॉर्मर नाम से एक ऐसा फोन कुछ ही महीनों के अंदर ग्लोबली देखने को मिल सकता है जो की तहलका मचाने वाला है। तो काफी यूजफुल फीचर्स के साथ ये फोन आने वाला है, जो की मेन फीचर्स के तौर पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया जाएगा। दूसरा जो होंगे वो है 32MP अल्ट्रावाइड एंड तीसरा 16MP टेली फोटो कैमरा मॉडल के साथ आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट में 8MP डेप्थ सेंसर एंड साथ साथ 64MP का फ्रंट कैमरा सेटअप दिया जाएगी। तो पहली बार किसी फोन के अंदर 7800mAh की बैटरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा बिगर है एंड जो कि जनरली आपको टैब के अंदर देखने को मिलती है। एंड साथ साथ 5 डेज की बैटरी लाइफ, ओ माय गॉड, ये तो ज्यादा ही कुछ हो गया हाथ से ज्यादा। एंड 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले एंड स्नैपड्रैगन 8Gen 1 या फिर हो सकता है 8Gen 2 में ये आधारित होने वाला है, जो प्रोसेसर वगैरह रहेगा एंड जो एंड्रॉइड 13 है इसका प्लेटफॉर्म होंगे एंड 120Hz LTPO डिस्प्ले के साथ इस पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बेस वेरिएंट 12GB 128GB स्टोरेज के साथ 16GB रैम एंड 256 एंड तीसरा 512GB, ये तीनों वेरिएंट के साथ एक्सपेक्टेड आएगी। प्राइस के बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं आई है। भाई लोग ये इन्फॉर्मेशन जानकर आपको कैसी लगी, ड्रॉप ए कमेंट फॉर मी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड विल बी द नेक्स्ट।